छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं साहसी लीली इस पाठ का व्याकरण। तो देखिए, इस पाठ में व्याकरण क्या है, बात भाषा की। तो बात भाषा की में पहला ही प्रश्न है कि नीचे अ ध्वनि वाले शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण अभ्यास करो। उनका उच्चारण अभ्यास करना है हमें। तो पहले सुनो कि अ अगर ध्वनि है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों की होती है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ये जो शब्द है वो डॉक्टर डॉ और कॉलेज का क्वा, देखिए यह शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के हैं। ये जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के हैं। कुछ शब्द हमें यहाँ पर दिए हैं, पहले प्रश्न में देखते हैं और उनका उच्चारण हम सीखते हैं। तो पहला शब्द है जॉन, रॉबर्ट, मॉडर्न, कॉफी, ऑफिस, कॉरिडोर और ऑन। ऐसे शब्द दिए हैं। यह शब्द साहसी लीली इस पाठ में है। आपको क्या करना है, वो शब्द ढूंढने हैं और उसके नीचे रेखांकित करना है, और यही शब्द आपको नोटबुक में लिखना है और उनके उच्चारण का सराव करना है। शब्द है जॉन, रॉबर्ट, मॉडर्न, कॉफी, ऑफिस, कॉरिडोर, ऑन। इन सभी के ऊपर जो चंद्र है उसका उच्चारण ओ की तरह हमें करना है। समझ में आ गई ये बात? तो ये पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। शब्द ध्यान से देखिए और उसका उच्चारण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची चुनकर लिखो। इसके पहले ही हमने पर्यायवाची शब्द देखे। पर्यायवाची शब्द को ही समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो हरे रंग के कोष्टक में आपको कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द आपको पढ़ने हैं। शब्द हैं पांव, रक्त, निगाह, नेत्र, नदीश, सागर, पद, नयन, दृष्टि, लहू। ऐसे शब्द दिए हैं और नीचे जो शब्द हैं, नीचे जो पांच शब्द हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द उस कोष्टक में ढूंढकर लिखने हैं। तो देखिए, पहला ही शब्द है आंख। पहला शब्द है आंख, उसके लिए शब्द है नयन, नेत्र। आंख के लिए पर्यायवाची शब्द है नयन, नेत्र। दूसरा है समुद्र, दूसरा शब्द है समुद्र। समुद्र के लिए शब्द है नदीश और सागर। तीसरा शब्द है खून, खून के लिए पर्यायवाची शब्द है रक्त और लहू, रक्त लहू। नजर, देखिए शब्द है नजर। ज के नीचे नुक्ता लगा है, ज के नीचे नुक्ता लगा है और नुक्ता लगने से उस शब्द का उच्चारण बदल जाता है। तो इस शब्द का उच्चारण है नजर। तो नजर के लिए पर्यायवाची शब्द है निगाह, निगाह और दृष्टि, निगाह दृष्टि। देखो पांचवा शब्द है पैर, पैर के लिए पर्यायवाची शब्द है पांव और पद, पांव और पद, ऐसे दो शब्द हैं। तो यहां पर देखिए फिर से, आंख के लिए नयन, नेत्र। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है नदीश, सागर। खून के लिए पर्यायवाची शब्द रक्त, लहू। नजर के लिए शब्द है निगाह, दृष्टि। पैर के लिए पर्यायवाची शब्द है पांव और पद। अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ। दो दो शब्द आपको दिए हैं। पहला है ला और उसे उसे जोड़ा है परवाह से, तो शब्द बनता है लापरवाह। मूल शब्द क्या है, परवाह। तो उसके पहले जो शब्द जोड़कर आया है, जो अक्षर जोड़कर आया है वो है ला, और ला जोड़ने से उस शब्द का अर्थ ही बदल गया है। शब्द हुआ है लापरवाह, ला धन परवाह मतलब लापरवाह। बे धन जोश, बे धन होश। देखो दूसरा शब्द है बे धन होश, इसको जोड़ने से बनता है बेहोश, शब्द बनता है बेहोश। स्वधन देश, इसको जोड़कर शब्द बना स्वदेश, शब्द क्या बना स्वदेश।
बे और जुबान शब्द जोड़कर शब्द बना बेजुबान, शब्द बना है बेजुबान। कु और मार्ग जोड़कर कुमार्ग, शब्द बना है कुमार्ग। वी धन शेष, शब्द बना है विशेष। अन धन जान, शब्द बना है अनजान। सु धन कर्म, सुधन कर्म, शब्द बना है सुकर्म। देखिए इसमें सभी शब्दों के अर्थ कैसे बदल गए हैं। ला अलग था, ला उपसर्ग जोड़ने से परवाह शब्द का क्या बना? लापरवाह। बे उपसर्ग जोड़ने से होश शब्द का बना बेहोश। स्व उपसर्ग जोड़ने से देश शब्द का बना स्वदेश। जुबान को बे उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना बेजुबान। मार्ग को कु उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना कुमार्ग। शेष को वी उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना विशेष। जान शब्द को अन उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना अनजान। कर्म शब्द को सु उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना सुकर्म। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न पूरा होता है। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरो। देखो यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं, चार उदाहरण हैं और चार उदाहरणों के सामने कोष्टक में कुछ शब्द दिए हैं। गोली शब्द है, देश शब्द है, समाचार पत्र शब्द है और हाथ, ऐसे शब्द हैं। और हमें क्या करना है? उन शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर ये वाक्य पूरा करना है। तो पहला ही क देखिए, पहला प्रश्न है क। जरा भी हिले तो गोलियों से भून डालूंगा, शब्द बनता है यहाँ पर गोलियों से। तो यहाँ पर जो गोली शब्द है वो ली को बड़ी की मात्रा है। तो बहुवचन करते समय इस ली को पहली ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा लगती है, तो शब्द बनेगा गोलियों से। और या के ऊपर ओ की मात्रा और अनुस्वार, गोलियों से भून डालूंगा। जरा भी हिले तो गोलियों से भून डालूंगा। ख देखिए, ख का प्रश्न है, पांच देशों की पुलिस उसे खोज रही है। पांच देशों की पुलिस उसे खोज रही है, यहाँ पर शब्द बनता है देशों की, शब्द बनता है देशों की। तीसरा देखिए ग, अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। समाचार पत्र दिया है आपको, अनेकवचन करना है, बहुवचन करना है, तो क्या बनेगा? अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। यहाँ पर समाचार पत्रों करना है और त्रो के ऊपर अनुस्वार देना है। समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। घ देखिए, रॉबर्ट ने बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया। सिर्फ हाथ शब्द दिया है आपको, बहुवचन करना है तो बहुवचन होता है हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया। रॉबर्ट ने बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न पूरा होता है। अब आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ो और समझो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ो और समझो। हिंदी में उर्दू, अरबी, फारसी से आए हुए कुछ शब्दों में नुक्ता लगाना आवश्यक होता है। ये जो दूसरी भाषा से आए हुए जो शब्द हैं हिंदी में, उनको कुछ शब्दों को नुक्ता लगाना आवश्यक होता है। नुक्ता न लगाने पर शब्द अलग अर्थ देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला शब्द है राज का मतलब है राज्य। और दूसरा है जो नुक्ता लगाया है, देखो ज के नीचे नुक्ता लगाया है तो उसका उच्चारण होता है ज, राज। राज मतलब रहस्य। तेज, तेज शब्द है, देखो ज के नीचे नुक्ता नहीं है, तेज शब्द है चमक, तेज का मतलब है चमक। और तेज, तेज मतलब है तीव्र। ज और ज इसमें फर्क देखिए, तेज बोले तो चमक और तेज बोला तो तीव्र। यहां पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के अर्थ देखिए अलग अलग हैं। फल,
शब्द है फर्न, तो सांप का फर्न। और फर्न देखिए, फर्न फर्न बोले तो गला। जरा देखो, जरा शब्द है जरा तो बुढ़ापा, जरा बोले तो बुढ़ापा अर्थ होता है, और जरा बोले तो कम, जरा का मतलब है कम। जमाना तरल पदार्थ को ठोस बनाना, जमाना यानी तरल पदार्थ को ठोस बनाना, और जमाना यानी काल या समय। नुक्ता दिया हुआ जो जमाना शब्द है वो क्या है, काल समय। फल शब्द है फल मतलब खाने का फल या परिणाम, खाने का फल या परिणाम फल। और फल शब्द है फल, तो चाकू हल का नुकीला भाग, चाकू या हल का नुकीला भाग। हल किसे कहते हैं पता है आपको, जो खेतों में हल चलाया जाता है ना उसका नुकीला भाग, उसको ही फल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमारा पूरा होता है। कुछ शब्द छठा शब्द छठा प्रश्न देखिए, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं। नीचे दिए गए हर वर्ग के लिए सदा पुल्लिंग रहने वाले तीन तीन शब्द लिखने के लिए कहा है। देशों के नाम ये सदा ही पुल्लिंग रहते हैं, पर्वतों के नाम ये सदा ही पुल्लिंग रहते हैं, दिनों के नाम हो पेड़ों के नाम हो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। तो देखते हैं ये शब्द कौन कौन से हैं। देशों के नाम हैं भारत, अमेरिका, जापान, ऐसे बहुत सारे देशों के नाम आप लिख सकते हैं। पर्वतों के नाम है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी, ऐसे पर्वतों के नाम आप लिख सकते हैं, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। दिनों के नाम हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे जो शब्द है वो सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। पेड़ों के नाम आम, पीपल, नारियल, बरगद, ऐसे सभी पेड़ों के नाम यह क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो देखिए इन शब्दों को आपको देखना है अच्छी तरह से और आपके पाठ्य पुस्तक में इसे लिखना है। जो जो शब्द यहाँ पर अभी हमने व्याकरण देखा उन सभी को आपको पाठ्य पुस्तक में पूरा करना है। और इन शब्दों की जो पहला प्रश्न है, अ अगर ध्वनि है जो अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आए हुए शब्दों की होती है, वो शब्द आपको नोटबुक में लिखना है। वो शब्द है जॉन, रॉबर्ट, मॉडर्न, कॉफी, ऑफिस, कॉरिडोर और ऑन, ऐसे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उनकी सराव करना है, उनका आपको सराव करना है। तो यहाँ पर साहसी लिली इस पाठ का व्याकरण पूरा होता है।